Hello everyone, welcome to the session today. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So I hope ki aap sab live session ke liye aa gaye honge. So aaj hum jis topic pe baat karne wale hain, that is communication. Do ye bahut hi aasan topic hai, but isme kuch aise basic questions pooch liye jaate hain ki agar aap un concepts ke bare mein nahi jante hain to aapka naturally question galat ho sakta hai. To aaj main kuch aise hi basic questions leke aaya hu, but they are very very important for your exam. So I hope ki aap in concepts pe dhyan denge and sath sath questions practice karenge taki aap June 2020 ki taiyari kar sake. So bina time waste karte hue, let us begin with the first question for the day and dekhte hain ki kya first question hai aaj ka. इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी रीसेंट अपडेट्स मिलती रहें। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 9999466225 और हम आपकी सारी क्वेरीज रिजोल्व कर देंगे। नाउ लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सो पहला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। अ मैनेजर विश टू नो द रिस्पॉन्स एंड फीडबैक ऑफ हिज एम्प्लॉयज फॉर इंस्टॉलिंग द बायोमेट्रिक सिस्टम। इसका मतलब है कि बायोमेट्रिक सिस्टम वो इंस्टॉल करने वाले हैं और अगर वो बायोमेट्रिक सिस्टम लगा रहे हैं तो उस पर क्या फीडबैक रहेगा इंप्लॉयज का, ये वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन शैल बी यूज फॉर स्पीडी रिस्पॉन्स, जल्दी कम्युनिकेशन आप तक पहुंचे, जल्दी आपको फीडबैक मिले, इसके लिए वो कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं। तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वो है फॉर्म्स या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सिर्फ आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, रादर चारों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे भी। सो एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो आप नॉर्मली अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, बहुत ही स्ट्रक्चराइज वे होता है ऐसा कम्युनिकेशन का एंड यूजुअली रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है ताकि आपको एविडेंसेस भी मिल सके। सेकेंड इज योर वर्टिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बारे में हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी बात करी थी कि जब हम किसी सुपीरियर से सुबॉर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज मे बी ए इज अ सुपीरियर एंड ही इज गिविंग ऑर्डर्स टू हिज सुबॉर्डिनेट, किसी भी तरीके का ऑर्डर दे रहा है, या फिर बी जो कि एक सुबॉर्डिनेट है वो किसी भी फॉर्म में कुछ सजेशन दे रहा है या फिर लीव के लिए अप्लाई कर रहा है, वेयर एज द मूवमेंट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू अप। सो इस केस में हम इसे वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गया। थर्ड ऑप्शन इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब आप सेम लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस ए विच इज अ मार्केटिंग मैनेजर, ये बी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं हु इज अ फाइनेंस मैनेजर, एंड बोथ दीज मैनेजर आर एट अ सेम लेवल पे हैं ये इन द बेंचमार्क ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। तो अगर इनके बीच में किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन होता है, कुछ भी डिस्कस करने के लिए या फिर कुछ पूछने के लिए, तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बन जाएगा। एंड डी इज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जब भी हम बिना किसी स्ट्रक्चर के किसी से भी बात कर लेते हैं, फ्री फ्लो में डायरेक्शन में कम्युनिकेशन मूव करती है, तो उसे हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता, किसी भी टाइप के बैरियर्स नहीं होते हैं, इसीलिए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कई बार ये रूमर्स को भी पैदा करता है, बट सिंस यहाँ पे बात की जा रही है स्पीडी रिस्पॉन्स की, इसलिए से ऊपर के जो तीन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है ऑप्शन ए बी सी में, दे आर डेफिनेटली गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा इस प्रोसेस को फॉलो करने में, बट ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में द प्रोसेस विल बी फास्टर और कम्युनिकेशन बहुत तेज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दैट इज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। आई होप कि आपने कमेंट में ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन ही आंसर किया होगा। लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। जय विशेष टू एंटर इन टू अ डील विथ PQR लिमिटेड रिगार्डिंग द सेल एंड परचेज ऑफ फ्यूचर्स। फ्यूचर्स अगर आपको याद हो, अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड के हैं, तो इज वन ऑफ द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होता है ये, जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते टाइम यूज किया जाता है। इन ऑर्डर टू हेज द रिस्क, आप अपनी रिस्क को कम करने के लिए इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। व्हाट मोड ऑफ कम्युनिकेशन शैल बी बेस्ट सूटेड फ्रॉम हिम फ्रॉम बिलो। सो हमें बताना है कि अगर जय फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने वाले हैं तो उनको कौन से फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज करना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। एक बार चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। इज इट ए ओरल कम्युनिकेशन, इज इट बी रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आप रिटन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। इज इट सी नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब साइंस लैंग्वेज यूज करेंगे, जेस्टर्स का यूज करेंगे। और इज इट डी सर्कुलर कम्युनिकेशन, दैट इज एक सर्कुलर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे, जहां पे आप में भी किसी थर्ड पार्टी से बात करेंगे एंड थर्ड पार्टी विल बी इन्फॉर्मिंग द पर्सन। सो अगर ए एंड बी इस केस में ए इज जे एंड सी इज द एक्चुअल क्लाइंट जिससे वो ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं एंड बी इज अ ब्रोकर,
इसे हम सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे. हमें यहाँ पे बताना है कि सबसे बेटर मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा रहेगा. अब आप लॉजिकली सोचिए कि जब भी आप किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज सेड, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल रादर, कि आपको हमेशा एक लीगल प्रूफ या फिर लीगल एविडेंस होना चाहिए. इसलिए इन केसेस में जब भी आपको बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड टारगेट्स मिलते हैं या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना होता है, तो द बेस्ट आंसर इज रिटन कम्युनिकेशन, ताकि आपके पास बाद में लीगल एविडेंस भी हो एंड देर इज नो स्कोप फॉर एम्बिग्यूटी और रूमर्स. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप कि आपने रूमर्स ही मार्क किया होगा, सॉरी रिटन कम्युनिकेशन ही मार्क किया होगा एज द करेक्ट आंसर. लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे. अ फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन विच शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट. अब ये क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट्स को हमारे नया लग सकता है, या लग सकता है कि ये किस टॉपिक से है. तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है. अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं पता है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है इस क्वेश्चन को आंसर करने में. इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो चारों फॉर्म्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो मैं आपको ठीक से समझा दूं. सो लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शंस नाउ. इज इट सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क. ध्यान से वर्ड को पढ़िए, वर्ड के अंदर ही उसकी मीनिंग छुपी हुई है. सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क का मतलब होता है जब आप एक लाइन में, एक स्ट्रक्चराइज फ्लो में कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसे हम सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क कहते हैं. दैट इज, ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया. दो ये इनफॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, बट स्टिल एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो हो रहा है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट थिंग्स. तो इसे हम सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क कहते हैं. नेक्स्ट इज गॉसिप नेटवर्क. जैसे कि वर्ड खुद ही कह रहा है दैट आप गॉसिप कर रहे हैं, तो जब भी आप गॉसिप करते हैं बिटवीन फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो आप कोई भी सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं फॉलो करते हैं. तो इसमें क्या हो सकता है कि ए हैज द इन्फॉर्मेशन एंड वो रैंडमली किसी को भी बता रहा है, बी इट बी सी डी और ई. सो इसे हम गॉसिप नेटवर्क कहते हैं. इन्वर्टेड वी. इन्वर्टेड वी होता है कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं जहां पे कुछ ऐसा सा नेटवर्क बनता है, एंड लेट अस से बी एंड सी आर द एम्प्लॉयज, डी इज देयर सुपरवाइजर, एंड जो ए हैं वो डी के भी सीनियर हैं, दैट इज डी के सुपरवाइजर हैं ए. सो जब आपको फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मिलता है, जब आप अपने सुपरवाइजर से भी बात कर सकते हैं एंड आप उनके सुपरवाइजर के भी सुपरवाइजर, दैट इज वन अबव लेवल, एक ऊपर लेवल के सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं, तो हम उसे इन्वर्टेड वी फॉर्म कहते हैं. ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है. ये आपको यहां पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, रादर इट इज फॉर्मल. सो इस तरीके से भी देखिए आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट की जा सकती है कि इनमें से कौन सा इनफॉर्मल है और कौन सा फॉर्मल है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डी ऑप्शन इज योर क्लस्टर नेटवर्क. क्लस्टर नेटवर्क इज अ फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहां पे आप सिर्फ उन लोगों से कम्युनिकेट करते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं. तो कई बार आपने देखा होगा कि फ्रेंड्स के बीच में कि आप सारे अपने फ्रेंड्स को अपनी सेंसिटिव बातें या फिर अपनी क्लोज बातें नहीं बताते, आप सिर्फ उन दोस्तों को बताते हैं, इवन अगर आपके 5 दोस्त हैं जिन पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं. फॉर इंस्टेंस, ए इज अ पर्सन जिसको कुछ इंपॉर्टेंट बात पता चली है, अपनी कुछ फैमिली रिलेटेड बात पता चली है. सो रादर देन टेलिंग इट टू ऑल द पर्सन, वो अपने सिर्फ बी सी एंड डी नाम के फ्रेंड्स को बताता है एंड जो उसके और फ्रेंड्स हैं उनको नहीं बताता है. सो देन इट इज नोन एज क्लस्टर नेटवर्क. तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, गॉसिप नेटवर्क एंड क्लस्टर नेटवर्क आर फॉर्म्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड इन्वर्टेड वी इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि मैंने यहां बता दिया है. तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्लस्टर नेटवर्क. आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बिकॉज ये आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक है. आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज इसमें हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं रिगार्डिंग द यूजीसी नेट, जेआरएफ एज वेल एज कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है उसके बारे में भी इस पे हम नोटिफिकेशन डालते रहते हैं. सो प्लीज डू ज्वाइन दिस चैनल. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है. Which of the following are not the advantages of formal communication? तो अभी हमने काफी बार बात कर ली है फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो हमें बताना है कि जो कि रिटन फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन से एडवांटेज नहीं है. कई बार स्टूडेंट जल्दी कर देते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है. सो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, नॉट पूछा गया है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार ऑप्शन देखते हैं. रिटन एविडेंस, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो बिल्कुल एडवांटेज है कि अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं रिटन फॉर्म में तो आपको रिटन एविडेंस मिलेगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होना चाहिए. सेकेंड इज लेस चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन होता है कि बात गलत तरीके से फैल जाती है या फिर कुछ चीजें बीच में खो जाती है या फिर रूमर स्प्रेड हो जाते हैं. तो कई बार आपने देखा होगा कि अब जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, अगर आपने ओरल कम्युनिकेशन की है स्पेसिफिकली, तो कुछ चीजें
पहुंचते पहुंचते फाइनल डेस्टिनेशन तक कुछ एलिमेंट उसके गायब हो जाते हैं या फिर कुछ डिस्टॉर्ट हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली अगर रिटन फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो रूमर्स कम फैलेंगे और लेस चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शंस होंगे. तो ये भी एडवांटेज है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होना चाहिए. डी इज वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर. क्लियरली अगर आप रिटन फॉर्म में देखें कि अगर कोई लेटर ऊपर से मैनेजिंग डायरेक्टर से निकला है तो पहले वो मैनेजर के पास जाएगा एंड देन वो सुपरवाइजर्स के पास जाएगा एंड फाइनली इट वुड रीड टू एम्प्लॉइज. सो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉलो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, इसलिए ये भी एडवांटेज है विच इज वेरी वेरी गुड. सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट इज क्विक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के थ्रू गुजर रहा है कम्युनिकेशन, हेंस इट विल बी डिलेड. तो जल्दी तो कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होने वाला, बट इट विल बी स्ट्रक्चराइज. सो बी हमारा आंसर हो जाएगा. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे साथ आज स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो इसका करेक्ट आंसर दे पाए होंगे. लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइंस कंसिडरेशन पार्ट ऑफ 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब मैं आपको बता दूं कि 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है. तो आपको इनके करेक्ट फॉर्म ऑफ जो एक्रोनिम है उनके इलेबोरेटेड टर्म्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए. सो यहां हमसे पूछा जा रहा है कि कंसिडरेशन नीचे में से कौन से ऑप्शन को सबसे करेक्ट फॉर्म में रिलेट करता है या फिर डिफाइन करता है. तो एक बार ऑप्शन को समझते हैं. ए, स्टेपिंग इन टू द शूज ऑफ अदर्स, मतलब आप अपने आप को किसी और की जगह रख के देखते हैं. इसको कई बार कहा जाता है कि बींग कंसिडरेट अबाउट अदर्स फीलिंग्स. सो ये कंसिडरेशन हमारा आंसर हो सकता है, बींग कंसिडरेट. नेक्स्ट, नो ग्रामेटिकल एरर इन कम्युनिकेशन. तो जब भी आप कहते हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर किसी भी टाइप की एरर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर करेक्टनेस की बात कर रहे हैं. करेक्टनेस का सी यहाँ पे इंडल्ज हो रहा है, दैट इज जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी एरर नहीं है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्फेसिस ऑन अ स्पेसिफिक मैसेज और गोल एट अ टाइम, मतलब कि आप किसी स्पेसिफिक मैसेज पे फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन में वो बिल्कुल क्लियर हो जाए यहाँ पे. तो इसको हम कई बार कॉन्क्रीटनेस कहते हैं कि बिल्कुल कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन देनी है, बिल्कुल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी है. तो ये हमारा कॉन्क्रीटनेस का एलिमेंट हो जाता है. डी, बींग पर्टिकुलर एंड क्लियर, इसका मतलब बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन में. सो इसे हम कई बार क्लैरिटी टर्म दे देते हैं विच लीड्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे हमने चार फॉर्म्स ऑफ 7 C's पढ़ लिए हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स. जब आप दूसरे के शूज में स्टेप करते हैं तभी आप समझ पाते हैं कि वो क्या फील कर रहा है या फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख पाते हैं. सो दीज वर 5 questions फॉर द डे. आई होप कि ये जो 5 questions है ये आपको बहुत हेल्पफुल लगे होंगे एंड कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है कम्युनिकेशन के उसमें भी आपको क्लैरिटी आई होगी. मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करें एंड देन वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा एंड साथ साथ आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी ठीक करेगा. सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन बिकॉज वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट. आंसर बताना तो बहुत आसान काम है, करेक्ट आंसर, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना मुश्किल है एंड वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो एंड आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाए. सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं. दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.